Hi friends and students, Assalamualaikum. आज हम अपनी फिजिक्स का जो है वो लेसन का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं. आई होप यू पीपल विल एंजॉय अलॉट योर जर्नी ऑफ लर्निंग फिजिक्स. आर टूडेज टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. But before proceeding to our lesson, we have to recapitulate our previous knowledge. हमें अपने पिछले इलम का आदा करना है, पिछले कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें थोड़ा सा जहन में लाना है ताकि इसे समझना कदरे आसान हो जाए. तो आदा करते ही पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ वो ये है कि what is meant by vibratory motion? You have studied it in your previous class, the same subject physics. And second chapter of your textbook, where you have studied kinds of motion. तो आपने पढ़ा था कि vibratory motion क्या होती है. Vibratory motion is to and fro motion about a mean position. To and fro motion about a mean position is called vibratory motion. आपके जहन में साथ examples यकीनन आ गई होंगी. कौन कौन सी वाली, झूले वाली, सिंपल पेंडलम वाली, वायलिन के तार वाली, वो सारी एग्जांपल्स जो थी वो थी वाइब्रेटरी मोशन की. अब हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन पे एक और कंडीशन लगाते हैं तो वो कौन सी मोशन बनती है. इस पे वक्त पीरियड की कंडीशन लगाते हैं कि व्हेन अ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन वाइब्रेटरी मोशन बिकम्स पीरियडिक मोशन. मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Motion repeated in equal intervals of time. Equal intervals of time. Equal intervals of time is called periodic motion. इसकी कास क्या होती है? इसकी कास एक restoring force होती है. What is that restoring force? Let's see. Force tending to bring the body in its initial state. वो force जो body को initial state में लाने की कोशिश करती है, that is called restoring force. आगे थोड़ी सी एनिमेशन है उसमें आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है. आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो दो स्प्रिंग्स के साथ अटैच है. एक जब बॉडी राइट की तरफ जाती है तो लेफ्ट वाला स्प्रिंग उसे इनिशियल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है और जो फोर्स लगती है उससे बॉडी फिर मेन पोजीशन से आगे ड्यू टू इनर्शिया निकल जाती है. और जब वो लेफ्ट की तरफ जाती है तो राइट वाला स्प्रिंग उसे फोर्स लगाता है. वो फोर्स जो है वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स. और वो रिस्टोरिंग फोर्स काज करती है इस बॉडी को वाइब्रेट करने में. अब देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक डेफिनेशन है अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन. Net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. In some other words, we can say a kind of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and the acceleration is always directed towards the mean position. आपने देखा होगा कि फर्क सिर्फ एक लफ्ज का है, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का. अगर आपके जहन में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है. तो इसलिए इन्हें हम सिनोनिम के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. A kind of vibratory motion in which acceleration, a kind of vibratory motion in which net force, both are directly proportional to the displacement from the mean position and both are always directed towards the mean position. आइए हम simple harmonic motion के features को देखते हैं. पहला फीचर ये है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है
वो हमेशा वाइब्रेट करता है अबाउट अ फिक्स्ड और मीन पोजीशन, फिक्स्ड और मीन पोजीशन, फिक्स्ड और मीन पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट करता है। अगली बात क्या है? इट्स एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, इस वजह से एक्सलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ होता है, क्योंकि नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, इस वजह से एक्सलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ। फर्दर मोर, एक्सलरेशन और नेट फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे जैसे ज्यादा होता जाता है, बढ़ता जाता है, एक्सलरेशन भी बढ़ता जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए एक्सलरेशन भी मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन मीन पोजीशन पे देखें तो एक्सलरेशन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो है मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन पे एक्सलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलरेशन मैक्सिमम। अब देखते हैं वेलोसिटी, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब यह है कि एक्सलरेशन जो है वो डायरेक्ट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। थोड़ी देर बाद कुछ आगे चल के मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे है इसका ये मतलब। आप देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। ये देखें कि एक्सलरेशन से बिल्कुल उलट है, एक्सलरेशन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम था, इसलिए एक्सलरेशन भी एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम था। लेकिन वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाके क्या होती है? मिनिमम हो जाती है, और एक्सलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होता है? जीरो होता है, और वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे आके क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट थिंग है वाइब्रेशन। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है उसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो कहलाता है वन वाइब्रेशन। अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई तो मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक, और उस एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से फिर दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, तो वन राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ, तो उसे हम कहेंगे वन वाइब्रेशन और वाइब्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स भी उसे बोल देते हैं, कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड, किसी भी तरफ जो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर हमें ये कहा जाए कि किसी मोशन को आप साबित करें कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हम कैसे साबित करेंगे? हमें सिर्फ ये साबित करना है कि एक्सलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी मीन पोजिशन एंड एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। और वो कैसे साबित होगा? जब हम ये साबित कर देंगे कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो हम ये साबित कर सकेंगे कि बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ये डायग्राम है आपके सामने, तो इसमें यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, फोर्स इस पर लगती है, बॉडी को इस तरफ ले जाया गया, एक एक्सट्रीम पोजीशन है ए, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है बी, ओ से ए तक या ओ से बी तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब हमने साबित करना है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम अटैच टू अ स्प्रिंग एज शोन इन द डायग्राम।
it is displaced through a displacement x by the application of a force f. Force f लगा के उसे displacement x के through displace किया गया. By Hooke's law, this force f is directly proportional to x or f is equal to kx. Definitely, जब ये इस extreme position B पे होगी body, इस position पे body होगी, तो body पे जो force लगा रहा होगा spring, वो इस तरफ होगी और वो कहलाएगी restoring force. जाहिर सी बात है वो इस फोर्स F के उलट है, तो वो माइनस F के बराबर है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स F किसके बराबर होगी? माइनस के एक्स के. यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड k इज कॉल्ड स्प्रिंग्स कांस्टेंट. स्प्रिंग जो है इक्वल और अपोजिट फोर्सेस पे अप्लाई करता है वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स, और नेट फोर्स भी उसे कह देते हैं. तो उस रिस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स एफ को कहेंगे माइनस के एक्स के बराबर. सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट एफ इज इक्वल टू एम ए. न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है हमें बताता है कि एफ बराबर होता है एम ए के. सो एम ए किसके बराबर हुआ? माइनस के एक्स के. अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ m से डिवाइड कर देते हैं. इधर m से डिवाइड कर दिया तो बाकी रह गया a, और इधर m से ये नीचे डिवाइड कर दिया तो a बराबर किसके हुआ? माइनस k बाय m इंटू x. थोड़ा सा इस डायग्राम को भी एलेबोरेट करता चलूं. आप देख सकते हैं कि जो बॉडी जो है यू राइटवर्ड्स जाता है तो उसका जो एक्सरेशन है वो लेफ्टवर्ड्स होता है. ये जो ब्लू एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. रेड एरो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक्सरेशन को. अब आपको नज़र आ रहा है कि बॉडी जब डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे एक्सरेशन भी बढ़ता है, लेकिन अपोजिट साइन में. तो अब आपको पता चला होगा कि ये माइनस साइन जो है ये साबित कर रहा है कि एक्सरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजिशन. जिस तरफ एक्सरेशन बढ़ रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, एक्सरेशन उसके अपोजिट साइड में बढ़ रहा होता है. एस के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड एम द मास ऑफ द बॉडी इज अनदर कॉन्स्टेंट. यानी के भी एक कॉन्स्टेंट है ये वाला, और एम भी एक कॉन्स्टेंट है. तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर जो होता है दैट इज अनदर कॉन्स्टेंट. सो वी कैन से के बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. के बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हेंस वी कैन राइट ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अ कॉन्स्टेंट इन टू एक्स. जब कॉन्स्टेंट को हम रिमूव करेंगे इक्वेशन में से तो इक्वल का साइन जो है वो प्रपोर्शनल के साइन में चेंज हो जाता है. तो जाहिर सी बात है ये अब बन जाएगा हमारे पास ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स. That is, acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position, and negative sign shows that acceleration is directed towards the mean position. ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, जो अभी आपके सामने थोड़ी एक एनिमेशन है, उसमें acceleration और displacement जो है उनकी साइन जो है वो अपोजिट साइड में है, लेकिन एक बढ़ता है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है. तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. हेंस मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगली क्लासेस में जाके आप प्रूव करेंगे कि इसका टाइम पीरियड टी जो होता है ये बराबर होता है 2 पाई एम बाय के स्क्वायर रूट. 2 पाई एम बाय के स्क्वायर रूट. You can see that here is m and k. It means time period depends upon the mass of the body. Time period depends upon the mass of the body and spring constant.
टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. यू कॉन्ट सी एनी फोर्स हेयर, एफ नजर नहीं आ रहा. इट मीन्स दिस टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सो वी हैव प्रूव दैट motion of a body attached to a spring is simple harmonic motion. मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपको मुकम्मल तौर पर समझ भी आया होगा. अगर समझ ना आया हो, कहीं कोई इशू हो, तो काइंडली इस चैनल में कमेंट्स में जाके आप लिखें. मैं इंशाल्लाह आपके कंफ्यूजन दोबारा दूर करने की कोशिश करूँगा. और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जैसे ही कोई वीडियो लेसन आए तो वो आपको फौरन मिल जाए और वो आप आसानी से वाच कर सकें और आप अपना लर्निंग का जर्नी जारी रख सकें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.